गाड़ी के बारे में थोड़ा समझेंगे, जैसे आपको नॉलेज तो है, गियर माउंट जिसमें होता है नंबरिंग वाला, तो वो होती है गियर वाली कार। एक आ रहा प्लेन जिसमें ऑटोमेटिक कार से आती है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड लिखा होता है, हैंड ब्रेक चलते समय नीचे करना है। अब इसको नीचे कर दो, फिर उसके बाद लेफ्ट पैर आपका क्लिच दबाएगा, राइट पैर से दो काम करना है, ब्रेक और एक्सीलेटर जो आप बाइक में कर रहे थे आप, ठीक है। गियर पे आते लाओ, गियर चेक करेंगे, आगे सीधा कर दो एकदम, सीधा नहीं लाना, नहीं सीधा सीधा चेक करना है बस, गियर न्यूट्रल पीछे गियर न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद राइट में सेट करना आपने, सड़क देखे और गाड़ी देखे, ठीक है। राइट हैंड साइड आपने स्टेरिंग यूज़ करना है, गाड़ी आपकी स्टार्ट है तो इंडिकेटर ऊपर देंगे तो लेफ्ट के लिए होता है और अपने आप बंद हो जाता है, फिर नीचे करके राइट नीचे देंगे तो राइट का इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाता है। इस सारे पूरे माहौल कहीं से बजा सकते हो, ये आपके वाइपर, ये आपके एसी इवेंट आजकल यहाँ आने लग गए, ये पार्किंग लैब जो बारिश आंधी तूफान में चलाते हैं। फिर लेफ्ट में सेट करेंगे, गाड़ियाँ सड़क देखें, सेंटर में सबसे बढ़िया सेट करना है क्योंकि जो आपके पीछे चल रहा है वो आपको लेफ्ट आर्च ओवरटेक करेगा और बीकानेर में तो जहाँ मौका मिलेगा वहाँ से करेगा, ठीक है। क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट करना है क्योंकि BSS की कार क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लिच लेफ्ट करके गियर फर्स्ट लगाओ, लेफ्ट और आगे, ये हमने L बना दिया, क्या बना दिया, नज़र सामने, राइट पैर से हल्की सी रेस लो और एड़ी दबी रहेगी, लेफ्ट पैर की पंजा ऊपर करो, लेफ्ट पैर का थोड़ा और ऊपर करो, थोड़ा और लेफ्ट पैर का पंजा ऊपर करो, थोड़ा और हल्की रेस, हल्की क्लिच, दोनों की इक्वल मात्रा जो बाइक में कर रहे थे उसके हिसाब से 10 की रेस में धीरे गाड़ी को चलाना है और राइट मेरा सेंटर मेरा देखते हुए धीरे सड़क पर आ जाएंगे, कोई पीछे ना हो। अपने सेकंड गियर के लिए पोजीशन तैयार रखेंगे, उल्टा हाथ रखेंगे, इस हिसाब से रेस बढ़ाना है 20 का, बड़ा 20 की रेस, हाथ हल्का रख के 20 की रेस बनाना है, सेंटर फिर देख लेना है, राइट देख लेना है, जैसे 20 की रेस बनेगी, अब देखो रेस को छोड़ के पूरा क्लिच नीचे दबाओ, नीचे धरती टच हो जाना चाहिए क्लिच का आपका, और दो बार पीछे करो गियर, एक दो, रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ दो, अब यहाँ पूरी क्रिज फ्री हो जाएगी, सिर्फ रेस का काम है, रेस लेनी कितनी है, सेकंड गियर है कम रखो रेस, 20 और 25 की रेस आनी चाहिए, जब फर्स्ट गियर चल रहे हैं तो आपकी रेस आनी चाहिए 20 और 0 की, 10-15 उसमें चलाना होता फर्स्ट गियर में, सेकंड में 20-25 रेस मेंटेन करके चलो। हमने सीखना है सीधा चल रहे हैं, हमने सीखना है कि माहौल को पढ़ना, माहौल क्या कह रहा है, माहौल बताएगा गियर कौन सा लगाना है और गियर बताएगा रेस कितनी रखनी है। फर्स्ट गियर का माहौल है तो रेस पता है आपको 20 से नीचे रखनी है, सेकंड का माहौल है तो 30 से नीचे रखनी है, हाथ हल्का रखना है, बीच बीच में तीन मिरर देखते रहना है। आप बीकानेर में चलाना सीख रहे हैं, डिफेंस करना सीखना, खुद को बचाना है और सामने वाले को बचाना है, साथ जो बैठे हुए हैं उनको बचाना है, तो चाहे गाड़ी आप नीचे उतारनी पड़ जाए, जैसे दो गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं, हम नीचे उतर जाएंगे लेफ्ट मिरर देख के, नीचे उतर गए पूरी जगह छोड़ दी, फिर राइट मिरर देखेंगे, फिर सड़क पर आ जाएंगे, तो उसको तो ओवरटेक करना है, ठीक है। रेस मेंटेन करके चलते रहेंगे, अपने आप को अलर्ट रखना है एकदम, सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करो, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सारे गाड़ी के साथ लेके चलो, कहीं आप नए एरिया में चले गए तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, आधार कार्ड भी मांग लेते हैं कि आपका आधार कार्ड का है, आईडी प्रूफ वगैरह, पैन कार्ड, चलते रहो रेस मेंटेन करके, हाथ हल्का रख के, बहुत बढ़िया सीधा सीधा चलते रहेंगे। आज हम फर्स्ट और सेकेंड गियर पर ज़्यादा काम करेंगे। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लाइन क्या है, अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पर खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ, तो जैसे किया यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, यह गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ, पर फर्स्ट लगाना हमने तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 से 20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड हो गया, यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रहेगी आपकी 20 से 30 तक, कितना 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है तो आपने क्या रखना है, यहीं पे बनाए रखना है, आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया थर्ड, सेकंड से कैसे गए दोबारा देखो, ये गया और ये थर्ड में चले गए, यहाँ रेस कितनी रहेगी 30 से 40, कितना 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ,
यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50, कितना 40 से 50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा, देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का, रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी, कहाँ चलेगी, अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड़ करते हैं, क्या करते हैं, छोटा मोड़, क्रॉसिंग हो सकती है कोई नहीं भी हो सकती है, जो राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड़ करके इधर चले जाना है, क्या चलना है, मतलब राइट के लिए बड़ा मोड़, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, ठीक है। इसे हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। बोनट के अंदर तीन उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, जो हम खुद से रख सकते हैं, बाकी तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम, तीन सर्विस कंपनी फ्री देती है, उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता हमारा रेडिएटर, रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है, ठीक है, रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ़ करवा के जब सर्विस करवाते हो साफ करवा के कूलेंट और डिस्टल वाटर भरवाना है, और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है, ठीक है, अभी है इसके अंदर, तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है, बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए, अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है, ठीक है, तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और हमने ध्यान क्या रखना, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं, ठीक है, फिर भी आप अपना ध्यान रखो। यहाँ पर फिल्टर होते हैं हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ़ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, फुल यहाँ खाली होता है, यहाँ निशान आ जाते हैं खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है, ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिस चीज़ से साफ होते रहें उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप, अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है, और इसकी मात्रा चेक करो, अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना, ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है, ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है, ठीक है, फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो, अगर चेंज कराने जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज करो, मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी का अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या हैं, गाड़ी के स्पेशलिस्ट, हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सके, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है, आपको लग रहा है उन मिस्त्री को समझ में आता है ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है, इन चीज़ों की, इन चीज़ों का ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो, ठीक है। एक स्पेशल बात और ध्यान रखना कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन ऑयल को फ्लैश करो, ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ी ड्राइविंग की तरफ, ठीक है, बंद कर दो स्टैंड, वहाँ से बंद कर दो और ऊपर से इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ये हो गया बंद। मैं यू टर्न मारना सिखा रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, इंडिकेटर नीचे मारना राइट के लिए, और फर्स्ट गियर लगा लेना, क्या लगाना है, ब्रेक पे पैर राइट में देखते हुए, और जब आपको डिवाइडर निकल जाएगा तब आपने राइट में घुमाते आना, क्या करना है, राइट पॉन देखते हुए घुमाते आओ, जब लगे कि सड़क पर गाड़ी सीधी होने वाली है तब रोड के लेफ्ट आ जाना है, लेफ्ट से ही गाड़ी वापस लेफ्ट आ जाना है। एक बार और दिखाता हूँ, रेस बढ़ाओ, बढ़ा कर रखो रेस, चलते रहो,
जब भी यू टर्न मारेंगे गाड़ी आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप ईजी घुमा के गाड़ी को टर्न कर सकें। राइट में जाना है हमने, इसलिए राइट का इंडिकेटर दे देना है और डिवाइडर का वेट करना। क्या करना है? डिवाइडर तुम्हारी सीट में आने चाहिए, नीचे मारो डिवाइडर, जब तुम्हारी सीट में आएगा और आगे जान दो, ये हमारे सीट में आने वाला है, तब हम राइट में देखते हुए घुमाते आएंगे, कंटिन्यू घुमाते आएंगे और उतना घुमाएंगे क्लिच ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट पहुंचे। बिना रेस के काम करते हैं यहाँ पे हम, और लेफ्ट ही पकड़ना है, लेफ्ट से घुमाया और गाड़ी को लेफ्ट ही लेके जाना है। एक बार वापस और देख लो, रेस मेंटेन करो, हल्का हल्का बना कर रखो रेस, लेके चलो। यू टर्न पर स्पेशल ध्यान रख क्या रखना, सेकंड में जाना है तो हल्का क्लिच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, तो सेकंड में काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड में नहीं कर पा रहे हो भीड़ वगैरह है तो फर्स्ट गियर सबसे बेस्ट है। अब जो डिवाइडर का कॉर्नर आ रहा है वो आपके ड्राइवर यहाँ सीट में आने चाहिए हमारे, जैसे हमारे सीट में आएगा अभी आने वाला, रुको इंडिकेटर मार के अब हम घुमाते आएंगे, जैसे हमारे सीट में आ गया घुमाते आएंगे कंटिन्यू। आगे वाली गाड़ी को देखे, दूर है बाइक और पहुँचना किधर है, रोड के लेफ्ट, कहाँ पहुँचना है? रोड के लेफ्ट, और रोड के लेफ्ट ही आपने सीधा करना है और रेस मेंटेन करना है, सीधा सीधा चलते रहना, ये हो गया यू टर्न का तरीका, ठीक है, सीधा सीधा चलते रहो। इस बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिकेटर ऊपर दे दो, लेफ्ट जब जाना है तो बिल्कुल छोटा मोड़ करके, जैसे मैंने बोला है, ये पॉइंट देखते हुए लेफ्ट बोनेट का और लेफ्ट में देखते हुए, तब हमने क्या करना है, लेफ्ट आते जाना, जब लगे हमारी गाड़ी पूरी दीवार के पास जा रही है तब इस बोनेट को हम सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट ही चलेंगे। अब राइट जाना, राइट में ध्यान कर रखना है, राइट इंडिकेटर नीचे दो और दीवार के कॉर्नर को देखेंगे, वो हमारी सीट में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, जैसे हमारे इस मिरर के स्टेयरिंग के सीट में आएगा तब हम राइट वाले पॉइंट को देख के बोनट के को घुमाते आएंगे, बड़ा मोड़ करते आएंगे, जब लगे हमारा राइट वाला पॉइंट सीधा होने वाला है तब गाड़ी को रोड के लेफ्ट रख लेंगे। एक बार वापस फिर देखो, रेस मेंटेन करके चलो, आगे से फिर राइट जाएंगे, इंडिक नीचे दो, जब जब राइट जाना है तो गाड़ी रहेगी लेफ्ट, कहाँ रहेगी, पूरा लेफ्ट रखते हुए गाड़ी को इधर करना है, ब्रेक में पैर लेना है, फिर राइट का कॉर्नर देखना है, दीवार का जैसी कॉर्नर हमारी स्टीयरिंग के सीध में आता है तब हम राइट में घुमाएंगे बड़ा मोड़ करके, और बोनट का कॉर्नर देखेंगे, बीच सड़क से ज़्यादा राइट जा रहा है तब सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट रखेंगे। अगेन रोड का लेफ्ट देखो, इंडिकेटर ऊपर दो, लेफ्ट मतलब गाड़ी पूरी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, राइट के लिए बड़ा मोड़, ठीक है, लेफ्ट पॉइंट देखते हुए और लेफ्ट मिरर देखते हुए बोनट का लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए छोटा मोड़ करते आएंगे, सड़क पर नहीं चढ़ते हम, पहले हम सड़क के किनारे पर रखते हैं लेफ्ट में, फिर गाड़ी को सीधा करते आते हैं और गाड़ी को लेफ्ट रख के ही सीधा सीधा चलते रहते हैं और माहौल बनाते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर यूज़ कर लेते हैं, रेस मेंटेन करते हुए सीधा सीधा चलते रहो। ये था हमारा लेफ्ट राइट टर्न करने का तरीके, रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए, डिवाइडर वाला रोड आ चुका है हमारे पास, अभी हम लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट में दिक्कत क्या आती है, जैसे लेफ्ट में कोई गाड़ी खड़ी है पहले से, जैसे आगे से वो लेफ्ट से ही आ रहा है, इसको बचाना पड़ेगा, साथ ही साथ राइट बचाना पड़ेगा। अगर आप जैसे आप डिवाइडर कवर कर लेंगे, डिवाइडर का फायदा क्या मिलेगा, राइट साइड पूरी आपकी सेफ होगी, क्या होगी, और लेफ्ट भी सेफ हो जाती है, क्योंकि जो भी ओवरटेक कर रहे हैं, जैसे बाइक वाले निकल के गए अंकल, तो दो फुट खुद अपने आप को बचा के लेके गए, आपने तो हाथ हल्का रख के बैलेंस संभालना है, आगे वालों को देखते रहना, गाय है तो हल्का से इधर करेंगे राइट में, फिर जाकर डिवाइडर कवर कर लेंगे, अंकल ये भी आंटी भी निकल गई, ये अंकल भी निकल के बाइक लेके, तो डिवाइडर का फायदा उठाना है, आगे ब्रेकर है हल्का क्लिच ब्रेक से हमने कंट्रोल कर लेना है, और जैसे ब्रेकर दिखना बंद ब्रेक छोड़ देंगे, हल्का हल्का रेस लेंगे, आगे गाय गोदे खड़े हो उनको बचाना है, राइट में देख लो कोई आ तो नहीं रहा राइट से, सेंटर में ज़्यादा देखना है आपने भानु जी, और लेफ्ट में देखना है, क्योंकि सेंटर में पता चलेगा कौन पीछे चल रहा है, गाय को देख के फिर उधर चले जाओ, और पीछे से लेफ्ट से पता चलेगा कौन आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है, बड़ा करो को रेस चलते रहो। फिर हमने डिवाइडर कवर करके रखा हुआ है, लेफ्ट से ऑटो ओवरटेक कर रहा है, लेफ्ट मिरर देख लो, सेंटर देख लो कौन पीछे चल रहा है, बार बार उन्हीं वर्डों को रिपीट कर रहे हैं, चलते रहो। तो राइट साइड डिवाइडर के पास ये फायदा मिलेगा आपको कि राइट साइड आपकी सेफ होगी, देखो ऑटो निकल गया आपके लेफ्ट से, वो भी अपने आपको दो फुट दूर होके गया है, तो ये डिवाइडर का फायदा उठाना, यही काम हमने हाईवे पे करना होता है, अगर आप गाड़ी तेज चला रहे हाईवे पे तो राइट साइड चल सकते हो डिवाइडर के पास, अगर स्लो चला रहे हैं तो लेफ्ट चलाएंगे, ये गाड़ी भी देखो दो फुट होकर निकल गई, लेफ्ट से जाने वाले हम किसी को नहीं बचा रहे, खुद अपने आप बच के निकल रहे हैं, आपने सेंटर में देख लेना और लेफ्ट से देख लेना कोई गाड़ी कौन कौन निकल रहा है, ओवरटेक कर रहा है,
आपने राइट में नज़र थोड़ी तेज रखनी है, राइट गली से कौन आ रहा है, लेफ्ट गली से कौन आ रहा है, माहौल को पढ़ना है, माहौल के हिसाब से आपने रेस बनानी है। माहौल को पढ़ना सीख लिया तो लोग आपको अखबार में नहीं पढ़ेंगे। रेस मेंटेन करके चलते रहो, आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करना सीख लो, ठीक है, चलते रहो, बहुत बढ़िया। रोड पे हम सब्जी मंडी रोड पे हैं, रेस बढ़ाने की इसकी डिवाइडर हमने कवर ही कर लिया। सेंटर देखो, लेफ्ट देखो, राइट साइड कवर कर रखी है। समय लेके 30 की रेस बनाओ भानु प्रताप जी, बनाओ रेस 30 की, और जाना तो रेस थोड़ा सा और 30 की रेस बनने वाली है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, रेस को छोटे किले से आएंगे पूरा। आगे न्यूट्रल करो, ये ऐसे नहीं, ये सर न्यूट्रल थर्ड, रेस बढ़ाओ, किले छोड़ते हो। मैंने आपकी पोजीशन चेंज करवाई थी, आपने वापस से सेकंड गियर वाली पोजीशन बना दी। रेस बना के रखो, हाथ हल्का रखो, समय लेके चल रहे हैं 40 का। अगर माहौल बना 40 की रेस का तो चौथा गियर लगा लेंगे, स्लो करो, जाना तो ऑटो को जान दो, चलो खुद रुक गया, वापस लेके रेस चलो, इसको जाने दो, आगे वाली गाड़ी से फिर दूरी मेंटेन करो। 40 की रेस नहीं बन पा रही है, इस गाड़ी को भी जाने दो, चलो आगे वाली गाड़ी दूरी मेंटेन करके लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, अपने आप अलर्ट रखो, बीच बीच में हॉर्न देते रहो, बहुत बढ़िया, हॉर्न हॉर्न स्लो करते आएंगे। ऐसे लोग आएंगे, आपने स्लो करना है, लोग तो आएंगे, लोगों का काम है लेफ्ट से आना, राइट से आना, आपका काम है अलर्ट रहना, खुद की जान बचाना, सामने वाले की बचाना है, डिफेंस करना सीखो। नहीं बन पा रही 40 की रेस, आराम से चलते रहो, ये तो आएंगे लोग, चलते रहो, बहुत बढ़िया। रेस बनाते हो हाथ हल्का रखते हुए, लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, अपने आप को अलर्ट रखो, 30 की रेस बनानी है। जैसे हमारी 30 की रेस बनेगी उसके बाद हम क्या करेंगे, रेस को छोड़ के सवाओ नीचे, आगे न्यूट्रल करो, गियर को एक बार और कर दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, बढ़ा कर रखो रेस, क्लिच छोड़ते आएंगे। समय लेके 40 की रेस बनानी है, अभी 30 की है, ऊपर क्रॉस करो, अच्छा बैलेंस बनाओ, बाइट पट्टी के पास से लाएंगे, बना रखो रेस, आगे का माहौल देखते हुए रेस को छोड़, क्लिच नीचे दो बार पीछे, गियर चौथा, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, बना रखो रेस, आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करके लेफ्ट देख लो कौन ओवरटेक कर रहा है, सेंटर देखो कौन पीछे चल रहा है, तीनों मिरर देखते हुए अलर्ट बने रहना है, बहुत बढ़िया। पहला दिन याद है, याद है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, पैसे वसूल। अब इसमें हमें रोज एडवांस काम करना है, क्या करना है? अब यह ट्रैक्टर नहीं हटेगा, लेफ्ट पैर देखो, देखो साइड कवर के लिए चला, धीरे धीरे हल्का सा लेफ्ट, आगे रेस बनाए रखेंगे हम, इसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो जब हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे तेज करना है, और हमारी गाड़ी को ओवरटेक करा उस टाइम स्लो करना है। आगे वाली गाड़ियों को देखते हुए रेस वाला पहले एक बार ब्रेक पर बनाओ, सिर्फ ऑन ली, राइट में देखो, जाकर डिवाइडर कवर कर लो, फिर लेफ्ट रख लेंगे, फिर पीछे देखो रेस बना के रखो, इस गाड़ी से दूरी मेंटेन करके बना रखो रेस, और चलते रहना है। गाड़ी को पूरा लेफ्ट बना के रखेंगे, लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, ये सामने आ गया, इधर साइड में बजरंग दोरा धाम, ठीक है, इसके बाद रेस बढ़ा रहे हम 30 का, 30 की रेस होगी, क्लिच नीचे करो, पूरी क्लिच नीचे, आगे न्यूट्रल करो, एक बार और करो, ये होगा गियर थर्ड, कौन सा हो गया, रेस बना के हाथ हल्का रख के कंट्रोल कर दो, आगे बस ओवरटेक करेगी उस ऑटो को, अपने आप को लेफ्ट संभाल के रखना है, जरूरत पड़ेगी तो हम गाड़ी को नीचे भी उतार लेंगे। वापस रेस प्लस करो, बना करो को रेस 40 का, समय लेके 40 की रेस बनाओ, और जाने दो रेस, और रेस लो, 40 की रेस आ गई, क्लिच नीचे दो और पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, गियर आगे चौथा, मन हल्का रख के हाथ हल्का रखते हुए, कैसा लग रहा है आज, पहला दिन क्या था और आज कैसा लग रहा है? बस कंट्रोल करके अपने कॉन्फिडेंस की रेस लेनी है, आगे कोई गाड़ी चल रही है तो दूरी मेंटेन करना है, ओवरटेक करना है तो सेंटर मिरर राइट मिरर देखो, आगे गाड़ी चल रही है ट्रैक्टर ओवरटेक करेंगे मौका मिलते ही, दो गाड़ी आ रही हैं उसको निकलते रेस प्लस करो, अब ओवरटेक करेंगे राइट मिरर देख लो,
और जैसी गाड़ी निकल जाएगी लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए लेफ्ट में देखते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट आ जाओ। हाथ हल्का रखना, मन हल्का रखना है, अपने कंट्रोल की रेस थोड़ा और प्लस कर सकते हैं, अपने कंट्रोल की रेस लेके चलते हो। सामने आ रही चढ़ाई, चढ़ाई पर ओवरटेक नहीं करते हैं, बना रखो रेस। लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, हमें नहीं पता आगे कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इसलिए लेफ्ट लेफ्ट रखेंगे। जैसे कि अगर दो गाड़ियाँ भी ओवरटेक कर रही होंगी तो लेफ्ट उतर सकते हैं आराम से, एक तो दिख गई, बस दिख गई। लो आगे दो गाड़ियाँ, ये रॉन्ग लेके आ रहा है, कहाँ चला आ रहा है, बना रखो रेस। चढ़ाई पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लास्ट में स्लो ही करना पड़ा उसे, चढ़ाई पर तो अपने कंट्रोल की रेस कम करोगे तो गियर डाउन करना पड़ेगा, जो बाइक में करते वही काम कार में करना है। सिर्फ यहाँ तो स्टेयरिंग चौड़ी, गाड़ी चौड़ी हो गई है, स्टेयरिंग गोल हो गई है, काम बाइक वाले ही हैं। बहुत बढ़िया, चलते रहो। मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए सेकंड में हम चल रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ी को 30 की रेस मिल जाएगी, थर्ड गियर लगा लेंगे, 40 में चौथा लग जाएगा, ड्राइवर सामने आ रहा है तो 30 की रेस होगी। रेस छोड़ो, क्लिच नीचे करो, न्यूट्रल और सीधा थर्ड, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, कौन सा गियर आ गया, थर्ड, बना करो रेस, फिर लेफ्ट देखो, सेंटर देखो और तेज करो रेस। मौका मिला 40 करेगा चौथा लगा लेना, नहीं मिलेगा तो आपने क्या करना है, चलते रहना है आपको थर्ड में ही, बना रखो रेस। डिवाइडर के पास चला रहे हैं तो सेंटर में और लेफ्ट में ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, बना रखो रेस। वो जान दो रेस, जाने दो और चाहिए, लेफ्ट देखो फिर सेंटर देखो, बढ़िया। आगे वाले गाड़ी से दूरी मेंटेन करना है, थोड़ा और रेस प्लस करो, अब पूरी क्लिच नीचे, गियर चौथा, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, बढ़ा करो रेस। गाड़ी ओवरटेक कर गई, फिर लैप देखो, सेंटर देखो, फिर गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तो उस टाइम हमें रेस नहीं बढ़नी चाहिए, और हमें ओवरटेक करना है तो उस टाइम रेस बढ़ा के अपना करके निकल जाना है। रेस बनाए रखो, हाथ हल्का रखो, कोई दिक्कत अभी तक किसी भी गियर में नहीं, बस रेस बनाए रखो, हाथ हल्का रखो अपने घर पर, आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर ही दिया है, धीरे धीरे अभ्यास करो और धीरे धीरे चलते रहो अपने कंट्रोल में, बहुत अच्छे। आगे वाली गाड़ी से इतनी दूरी मेंटेन करके चलते रहो, स्लो करते हैं, चलते रहो, गुड।